छापर के भिक्षु साधना केंद्र में सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के सानिध्य में 92 वर्षीय वर्षी तप करने वाली श्रद्धा की प्रतिमूर्ति तेरापंथ धर्म संघ की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती पारस देवी नाहटा का 37वां वर्षीय तप का पारणा कार्यक्रम का आयोजन, तप अनुमोदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, आचार्य प्रवर द्वारा श्रीमती पारस देवी नाहटा को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति अलंकरण से जहाँ संबोधित किया गया है, वहीं पारस देवी नाहटा इस उम्र में प्रतिदिन समाय करना, व्याख्यान सुनना और तपस्या के क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखती है। देश भर में वर्षी तप की अग्रणी सूची में आप चिन्हित है और छापर का तेरापंथ धर्म संघ का आप गौरव बढ़ा रही है। हम छापरवासी सौभाग्यशाली हैं कि वर्षी तप में अग्रणी स्थान रखने वाली देश भर की इस तपस्वी महिला के नाम के आगे छापर का नाम जुड़ता है। स्वर्गीय टीकमचंद जी नाहटा की धर्मपत्नी श्रीमती पारस देवी नाहटा के पौत्र भानु कुमार नाहटा जहां तेरापन सभा छापर के अध्यक्ष रहे हैं, अनेक केंद्रीय संस्थाओं में आप विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। आप के धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी नाहटा आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की परामर्शिका है और सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती है। आज 37वां वर्षीय तप के पारने के कार्यक्रम में बालू कुमार जी नाहटा के पुत्र यानी उनका पड़पोता प्रकाश नाहटा, सरोज नाहटा और प्रकाश नाहटा के पुत्र यश नाहटा और पुत्र वधु ईरा नाहटा आज इस पारने कार्यक्रम में उनके तप अनुमोदना के लिए बॉम्बे से यहाँ आए हैं और मुझे खुशी है कि इस परिवार ने तेरापंथ धर्म संघ में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। मैं पारस देवी नाहटा के वर्षी तप के 37वें पारने में तप की अनुमोदना करता हूँ और पूरे परिवार के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। युग पटाल आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में और भी सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री विनोद कुमार जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव और आभार। उपस्थित धार्मिक परिवार, आज हम सब दादीसा के 37वें वर्षीय तप की अनुमोदना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले महिला मंडल मंगलाचरण से जैसे पुरुष की कली कली में सौरभ इच्छु की ओर ओर में रस पी के हर कण कण में स्नेह प्राप्त होता है, वैसे ही जैन आगम तप्त की सुख है तप तप सोना अभी स्नान करता है, इसीलिए आत्मा तप श्राम से निर्मल उच्च पद है। तपेश नीरा तुम्हें नीते कामा में तपे नी जीवन है
अभिनंदन तप गुण गाएं, तप का अभिनंदन तप गुण गाएं, आज मुदित मन उत्सव मनाएं, आज मुदित मन उत्सव मनाएं। अब मेरा निवेदन पंडित जी से है। छापन सभा के व्यवस्थापन मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन साधक समर्पित वंदनीय मुनिव्रत उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूनी की जन्म धरा के श्रावक सहिता समाज और आज के कार्यक्रम के आकर्षक तपस्वी नाहटा परिवार, आज कस्बे के विश्व साधना केंद्र में हम छापरवासी अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें लगातार 37 वर्षों से वर्षी तप करने वाली सरदार की प्रतिमूर्ति श्राविका आदरणीय दादी सा, हालांकि मेरे सगीसा है लेकिन दादी सा के नाम से हम सभी को उनका भरपूर स्नेह मिलता है, तो उनका 37वां वर्षी तप का पालना इस प्रांगण में करके हम निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं। आचार्य प्रबल के सानिध्य में आपने अनेकों पालना किए और वर्षी तप के क्षेत्र में पूरे भारत भर में अग्रणी वर्षी तप की सूची में आपका नाम अंकित है, यह भी एक छापर के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर नाहटा परिवार की सेवाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे नाहटा परिवार पांडुदेव नाहटा के पोते पानु कुमार जी नाहटा 13 पंत्र समाज छापक के अध्यक्ष को रहे ही साथ में अनेक केंद्रीय संस्थाओं में आपने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। आपके पोते की धर्मपत्नी श्रीमती बिंदा देवी नाहटा जो भी आचार्य प्रबोध वाला श्रद्धा से अलंकृत है, आप अखिल भारतीय 13 पंत महिला मंडल की परामर्शिका रही है, सेवा के क्षेत्र में आपका नाम अग्रणी रहा। आज इस वर्षी तप में इस परिवार का पूरा एक ऐसा सहयोग है कि मैं कहूं पोता पर पोता और उसके बाद लग पोता होता होगा, लग पोता यहाँ उपस्थित है और उनकी पुत्र मैं उपस्थित है, तो मैं नाहटा परिवार के प्रति हार्दिक साधुवाद दे रहा हूं कि आपने छापर का नाम निश्चित रूप से अंकित किया है। समय की सीमा को देखते हुए मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि हम मुनिश्री चूंकि एक विशेष परिवर्तन से हमें नाहटा परिवार आज दादीसा का सम्मान करे तो पारिवारिक जन भाई प्रकाश नाहटा, श्रीमती सरोज नाहटा, भाई यश नाहटा, श्रीमती हीरा नाहटा, राजेंद्र जी नाहटा, चंदा देवी नाहटा, आलोक जी नाहटा, चमन दुधोरिया करके आगे आए और हम पारिवारिक जनों के साथ इनका सम्मान करेंगे। बस यहाँ रहिया ये देखिए महाराज आ रहे एक मिनट में इन्हें देखिए मेरे का आओ हम सब करें तपक्षण का अभिनंदन, तपक्षण को तो करते हैं सब नमन, तप से होती कर्म निर्जरा, करते भव भव के बंधन, करते भव भव के बंधन। अब मेरा निवेदन हीरा नाटक आचार्य परंपरा को नमन एवं आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सच्चत नमन। यहाँ विराजित सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री विनोद कुमार जी एवं सहवर्ती संत को मेरा वंदन। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे दादी सा पारस देवी नाहटा के 37वें वर्षी तप के पाड़ने की अनुमोदना तथा उनको पालना कराने की का स्वर्णिम अवसर मिला है। नाहटा परिवार की 5वीं पीढ़ी में अपने आप को देखकर मैं काफ़ी
अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। यह अवसर मेरे और नाहटा परिवार के लिए सदा यादगार रहेगा। 37 में से 34 फाइनल दादाजी भानु कुमार जी और दादी साहब विमला देवी नाहटा ने करवाया था। वो अपनी वंदना सारे संतों को अर्पित करते हैं और दादी साहब की तपस्या के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। मुनिश्री में साथवी डॉक्टर पीयूष सभा जी की संसार पक्षी भतीजे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तेरापन महिला मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा है दादी साहब पालने के पूरे तपस्या के लिए, तो उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अंत में पूज्य दादी साहब के प्रति मंगल कामना करती हूँ। आपकी धार्मिक भावना तथा आराधना की ओर हमेशा गति बढ़ती रहे और आपको हमेशा आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे और हम आपकी अभी स्वर्ण जयंती की अपेक्षा करते हैं। अभी हम 92 ईयर्स के हैं तो हम आशा करते हैं कि ऐसा ही तब का कार्यक्रम बढ़ता रहे और शासन देवी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। विराजित मुनिवृंद को वंदन। धर्म प्रेम समाज, आज मेरे पूज्य बढ़िया सा के 37वें वर्षीय तक का अंतिम दिवस पूरा समाज उनका सम्मान कर मना रहा है। ओ बुढ़ा को आमर और 37 वर्षासियों आप भयंकर तपस्या, बिना कोई दिव्य शक्ति के हो ही नहीं सकती, अतीत साक्षी है। तप के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। मैं इनके तप की अनुमोदना करता हुआ इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और साता पूछता हूँ। बढ़िया साने ने केवल खानदान का ही नाम रोशन किया, हमारे तप का नाम भी चरणों में विख्यात कर दिया। मैंने गुरुदेव तुलसी से अर्थ की दो शब्द देने के लिए, तो जो शब्द मिले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आ उम्र ए बरसी तप, धन्य है बढ़िया साथी। आ उम्र ए बरसी तप, धन्य है बढ़िया साथाना, चाहे कोई मानो न मानो, सूरज को मजबूत मनोबल मानो, सूरज को मजबूत मनोबल मानो। शिव श्री के एक बास में रातियों गिनना पड़े तारा, शिव श्री के एक बास में रातियों गिनना पड़े तारा, हरी हिम्मत रे आगे शीश कहाँ हुए सारा, हरी हिम्मत रे आगे शीश कहाँ हुए सारा। करूँ प्रणाम हारे शरणा में इसी दीजियो थे आशीष, करूँ प्रणाम हारे शरणा में इसी दीजियो थे आशीष, हारी होड़ तो होवे पुनी प्रियो रखूँ शरणा में शीष, हारी होड़ तो होवे पुनी प्रियो रखूँ शरणा में। गुरु तुम श्री रेवे कृपा मास मन को सिर, गुरु तुलसी की रेवे कृपा महासमन को सिर पर हाथ, मन लाग्यो रेवे धर्म ध्यान में, सगड़े समाज रो रेवे साथ, सगड़े समाज रो रेवे साथ। अंतिम पंक्ति इस महातप के उपलक्ष्य में, इस महातप के उपलक्ष्य में सूरज की प्रभु से प्रार्थना, ते स्वस्थ व सुखी रहो सारे समाज की आभावना, सारे समाज की आभावना, हरे सफल को कामना, हरे सफल को कामना। तप को मंगल कहते हैं क्योंकि तप शरीर मन बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप आत्मा का विकास और अशुभ क्रम से संस्कारों का शोधन करता है। अब मेरा निवेदन सभा के मन भाई चमन जी को दिया। सरने के चरणों में वंदन, विराजित चेत आत्मा चरणों में सतत वंदन और दादी साहब को मन से दिल से आत्मा से प्रणाम। मतलब कहने को शब्द नहीं है पर
कुछ कहना चाहता हूँ, वो आज मैं बता रहा हूँ। आकाशीज का समय, आकाशीज अपने आप में एक पावन दिन होता है। आज से तपस्या का प्रारंभ होता है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दादी साहब को देख करके आज से इस गर्मी में अपने सीधे शरीर में व्याधि को काटना है तो तपस्या क्रम प्रारंभ कर लीजिए। चाहे अपन एक दिन की तपस्या करें, दो दिन की तपस्या करें, तभी वास्तव में तपस्या की निजरा होगी और तभी भावना होगी। मैं दादी साहब को प्रणाम करता हूँ कि यदि साक्षात इस धरती पे आज के लिए अपन सोचे भगवान, तो ये साक्षात भगवान है। हम सूर्य देवता को देखते हैं, बाकी सब देवता अपनी कल्पना है, पर ये वास्तव में हमारे सामने भगवान है, जिन्होंने अपनी पांच पांच पीढ़ी का स्नेह पाया है। लोगों को एक पीढ़ी का स्नेह मिलना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, दो पीढ़ी का, पर इन्होंने पांच पांच पीढ़ी का स्नेह पाया है। तो हम तो अनंत शक्ति से ही प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें और अपने आप में मस्त रहें, क्योंकि जब भी हम दादी साहब के पास जाते हैं, मतलब इनका इतना स्नेह रहता है कि वो खार खा को लेट जा, आज भी इस अवस्था में हर एक को पहचानना और उसका आव भगत करना, मान मनोहर करना, ये सबकी सबसे बड़ी खूबी है। और जो इन्होंने अपने परिवार को संस्कार दिए वो शायद हम सबके प्रेरणा स्रोत है। मेरे तो विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मैंने बचपन से भानु भाई जी को देखा है और उनका जो चलने का हाव भाव बोलने का तरीका है उसको मैं भी चाहता हूँ, मैं कहीं से भी उसको अपने जीवन में लेकर के आऊँ। और वही संस्कार इन्होंने आने वाली पीढ़ी में दिए, तो मैं पूरे परिवार को से कृतज्ञता करता हूँ। इसी प्रकार की भावना को इसी प्रकार बनाए रखें, क्योंकि इससे बड़ा अपने जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यदि इनके चेहरे की मुस्कान भी हमें मिलती है तो जीवन का सबसे बड़ा संघार समझते हैं। तो अनंत शक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ कि 100 वर्ष पूरे करें और हम बड़े उत्साह के साथ में ये वर्ष तक का हर साल आना मनाते रहें और ये परिवार हमेशा प्रफुल्लित बना रहे, जीवन में आगे से आगे बढ़ता रहे, गुरुदेव की कृपा हमेशा इस पर बनी रहे। तत्की महिमा है देखो अपरंपार, तप ही जीवन का है सच्चा सार, तप ही लगाए जीवन नया पार, तपस्वी को करते वंदन बारंबार। आराध्य देव के चरणों में वंदन, आराध्य देव के चरणों में वंदन, अन्य विराजित मुनि श्री के चरणों में वंदन, उपस्थित धर्म परिवार सभी से मेरा जय जयंदन। आज कालू जन्म धरा पर, आज कालू जन्म धरा का कण कण पुलकित है, हर्षित है और सबसे पहले अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हूँ, जिस धरा पर एक 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 कीमती रतन का चातुर्मास हमें मिल रहा है। मुनि श्री विनोद कुमार जी की चाकरी हमें मिली, मुनि श्री की निरंतर प्रेरणा रहती है, त्याग तप साधना के श्रावक समाज ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और साथ में मुनि श्री जी स्वयं साधन साधना से जुड़कर आत्म कल्याण की ओर अग्रह कर रहे हैं। आचार्य माँ समन्वय के आशीर्वाद से मुनि श्री जी विनोद कुमार जी के चौथा वर्षीय तक परिषद की ओर है। मुनि श्री जी के तप के अनुमोदन करती हूँ, तप का कितना भी गुणगान करे कम है, जो तप रूपी बाती में जलकर तप का सूर्य को निखारता है वो ही सागर में तर सकता है। तप वो मिसाल है जिसका आत्मबल हिमालय से भी ऊंचा है और कभी कभी सोचती हूँ एक उपवास करना भी कठिन है, कैसे वर्षी तक कर लेते हैं, कैसे शक्ति मिलती है, कैसे ऊर्जा मिलती है, पर जवाब भी मिल जाता है, जिसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत हो वो ही तपस्या कर सकता है। मुनि श्री जी आपके वर्षी तक की शाता पूछती हुई आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। आज छापर के एक और तपस्वी नहाता परिवार श्रीमती पारस देवी नाटा, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपने परिवार के साथ छापर का नाम भी अंकित किया है, पूरे छापर समाज को गौरवित किया। हम आपके भी वर्षी तक की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए साता पूछते हैं, शासन माता आपको इतनी शक्ति दे, ताकत दे, जिससे आप हमेशा तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, आपके उत्तम स्वास्थ्य के मंगल कामना करती हूँ। अतः मैं कहना चाहती हूँ तप की महिमा महान, तप करके जीवन निखरे, तप की शक्ति अपरंपार, तप से ही व्यक्तित्व निखरे। ओम नमः। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन श्रीमान मानक चंद जी को है। यहाँ विराजित डॉक्टर विनोद कुमार जी एवं सर्व के संतों को मेरा भाव भरा वंदन, उपस्थित
संपर्क से और सुना। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के। दादी साहब पारस देवी नाटक जो आज 37वां वर्षी तक संपन्न करने जा रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 37 की संख्या इन्हें गिने ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। और जैसा भाई प्रतीक ने बताया कि धर्मसर के अंदर में विशेष स्थान रखने वाली पारस देवी नाटक को तब की हम अनुमोदना करते हैं और आपको साधा पूछते हुए आपको प्रणाम करते हैं। मुनिश्री का भी आज चौथा वर्षीय तक संपन्न होने जा रहा है। हम मुनिश्री के प्रति भी मंगल कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। तब के अंदर में परिवार का भी पूरा योगदान रहता है। आज नाटा परिवार ने 5वीं पीढ़ी लड़ पोते तक बहुओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं और उनका तपस्वी का मनोबल इसी तरह से बढ़ता है। परिवार का सहयोग करने से ही कम संभव होता है, इसी भावना के साथ वो बसंती बाई के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। आदिनाथ के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। आई है शुभ बेला हम तपसन को बढ़ाते हैं। कर्म को तोड़ा है तप गंगा में नहाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को तेज मनाते हम कि मंगल गाओ रे कि तपसन को बढ़ाओ रे मंगल गाओ रे कि तपसन को बनाओ रे। संयम ताओ धीर जिता की परिभाषा बरसी तप ये। आतिश्वर के दर्शन की अभिलाषा बरसी तप ये। पुण्य कमाए जो कर जाए हम सागर तर जाए। विश्व देव के आशीर्वाद से जीवन सफल बनाए कि मंगल लाओ रे कि दर्शन को बढ़ाओ रे। तप सर ने जिन शासन की गरिमा को बढ़ाया है। तुम केसरे कलियों से आंगन महकाया है। तप से बनती कंचन काया सुख सावन लहराया। आया है प्रभु ऋषभ देव का महापर्व ये काया कि मंगल गाओ रे कि तपसन को बढ़ाओ रे कि मंगल गाओ रे कि दादी सा को बढ़ाओ रे। और अब मेरा निवेदन श्रीमान आलोक सिन्हा से। आराध्य देव के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित व्यवस्थापक मुनि विनोद कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं दादी सा का वर्षी तक के पाण्डे वर्षी तक के अनुमोदन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुनिश्री के भी वर्षी तक चल रहा है, मैं भी उसकी अनुमोदना करता हूँ। और अनुमोदना करते हुए भी मैं कर्म की निद्रा कर रहा हूँ। और दादीसा के मैं वर्षितव के पालने के उपलक्ष्य में भी कुछ त्याग करने की एक सोच लिए आया हूँ। मैं आज ये आजीवन ये जो बाजार के शीतल पे है उनका आजीवन मैं त्याग करता हूँ। इन्हीं भावों के साथ मैं पूरे परिवार की तरफ से वर्षितव की अनुमोदना करता हूँ। ओम नमः।